आपके सक्सेस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्टर है कि किस हद तक लोग आपके वर्ड्स आपके शब्दों से इन्फ्लुएंस हो सके। सो हाउ टू स्पीक सो दैट पीपल वॉन्ट टू लिसन। चाहे आप एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने आइडियाज को पिच करें एक इन्वेस्टर को, या फिर आप एक जॉब इंटरव्यू में हैं जहां आप कन्विंस करें कि क्यों आप उस जॉब के लिए फिट हैं, या फिर आप एक लीडर हैं एक कंपनी के जो चाहते हैं कि उसी पैशन से लोग आपके आइडियाज में बिलीव करें जिस पैशन से आप बिलीव करते हैं, हर केस में यू हैव टू स्पीक सो दैट पीपल वॉन्ट टू लिसन। तो क्या है वो तीन प्रिंसिपल्स जिससे आपके वर्ड्स काउंट करें, वो आज डिस्कस करते हैं। हाउ टू स्पीक सो दैट पीपल वॉन्ट टू लिसन, तीन प्रिंसिपल्स। फर्स्ट, एक मेन आइडिया को बहुत मेमोरेबल कॉन्सेप्ट के थ्रू कम्युनिकेट कीजिए। सेकेंड, स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक बहुत डीप इमोशन इवोक कीजिए। एंड थर्ड, बी इंटरेस्टेड टू बिकम इंटरेस्टिंग। इन तीनों को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले, एक मेन आइडिया जो आप एक बहुत मेमोरेबल कॉन्सेप्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग किसी भी इंटरव्यू से या प्रेजेंटेशन से एक मेन टेक अवे लेके रूम से बाहर जाएंगे, और वो मेन टेक अवे आपको एक कलेक्शन ऑफ फ्रेजेस या एक नंबर से इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि वो डीपली लोगों के दिमाग में सिंक इन हो जाए। मेन आइडिया को इंट्रो में टेल देम व्हाट यू आर अबाउट टू टेल देम, मिडिल में टेल देम, एंड देन एंड में टेल देम व्हाट यू हैव जस्ट टोल्ड देम, एंड टेल देम इन अ वे दैट्स वेरी मेमोरेबल। सो फॉर एग्जाम्पल, वाइटर जूनियर के केस में अगर मैं बिजनेस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता और मैं बताता कि हम लोग ये कोर्सेज कर रहे हैं और इन कंट्रीज में जा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो लोग कि लोग उसका कोई टेक अवे, एक सिंगल टेक अवे नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं जब वाइटर जूनियर का बिजनेस स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता था, मैं बोलता था कि अगले 3 साल में हमारा स्ट्रेटजी है 7-5-3। हम लोग 7 कंट्रीज में जाएंगे, हम लोग 5 कोर्सेज में जाएंगे और हम लोग 3 फॉर्मेट्स में जाएंगे। ये 7 कंट्रीज हैं, इंडिया, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, इंडोनेशिया, और ये 5 कोर्सेज हैं, कोडिंग, मैथ्स, म्यूजिक, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, और ये 3 फॉर्मेट्स हैं, 1-to-1, 1-to-4, B2B। तो अगेन 7-5-3 से एकदम लोग के दिमाग में एक टेलीग्राफिक मैसेज जाता था कि हम लोग ये कंट्रीज, ये कोर्सेज, ये फॉर्मेट्स में जाना चाहते हैं। अगर मैं ये हज पॉज में बताता कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उतना ज़्यादा होता है इन्फॉर्मेशन कि कोई एक सिंगल टेक अवे नहीं रहता। एंड जनरली मैंने देखा है कि नंबर्स से लोगों का टेक अवे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, एंड ये प्रेजेंटेशंस के लिए होल्ड करता है, इंटरव्यूज के लिए होल्ड करता है, एंड एक्चुअली रेगुलर यूजेज में भी होल्ड करता है। तो फॉर एग्जांपल, इस वीडियो में जिसमें मैंने बताया है हाउ टू हायर द बेस्ट टीम फॉर योर स्टार्टअप, इसके अंदर मैंने एक प्रिंसिपल यूज़ करा है जिसको मैं कह रहा हूँ 24 प्रिंसिपल, कि एक स्टार्टअप के अंदर 20 साल का लो इंटेंसिटी वर्क जो एक कॉर्पोरेट का होता है, उसको 4 साल के हाई इंटेंसिटी वर्क से रिप्लेस करना होता है। जब मेरे पोटेंशियल रिक्रूट्स ये बात सुनते थे कि हम लोग यहाँ 24 प्रिंसिपल पर काम करेंगे, तो जो टॉप टैलेंट था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। अगर उसी टॉप टैलेंट को मैं बताता कि यहाँ पे बहुत हार्डवर्क है या फिर आपको यहाँ हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो मैसेज ना इधर इंस्पायरिंग रहता ना मेमोरेबल रहता। उसको मैंने जैसे 24 नाम के कॉन्सेप्ट में कम्युनिकेट करा, तो वो इंस्पायरिंग रहा, मेमोरेबल रहा, और हम लोग बेस्ट टैलेंट को अपनी कंपनी में ला पाए। तो हमेशा अपना एक मेन आइडिया को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको सोचिए कि किस तरीके से एक मेमोरेबल कॉन्सेप्ट या नंबर्स के थ्रू कम्युनिकेट करें ताकि लोग के दिमाग के अंदर वो एकदम सिंक इन हो जाए। ये पहला प्रिंसिपल है ऑफ मेकिंग अ गुड प्रेजेंटेशन और टॉकिंग सो दैट पीपल रियली वांट टू लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग। सेकंड, स्टोरी टेलिंग से बहुत ज़्यादा डीप इमोशन इवोक कीजिए अपने लिसनर में। जब भी आपके पास फैक्ट्स हैं उनको स्टोरीज में कन्वर्ट कीजिए, बिकॉज लोग स्टोरीज से बहुत ज़्यादा डीपली रिलेट करते हैं। अगर आप कोई भी अच्छा स्टोरी का एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल शॉशैंक रिडेम्पशन नाम की मूवी या फिर 3 इडियट्स, आप ये देखेंगे कि एक अच्छी स्टोरी में आप पूरी तरह खो जाते हैं और जो मेन कैरेक्टर है उससे बहुत ज़्यादा डीपली एक सिंपैथेटिक लेवल पे रिलेट करते हैं। आपको भी वही इमोशन इवोक करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में या अपने इंटरव्यूज़ में। तो फॉर एग्जांपल, जब मैं वाइटहेड जूनियर का इम्पैक्ट के बारे में बताता था, तो एक लेवल पर मैं बहुत पैशनेट था कि किड शुड बी बिल्डर्स एंड क्रिएटर्स, उसके बारे में बात करता था। पर वो स्टोरी रैली लोगों के लिए लाइफ में तब आती थी जब मैं खुद पिक्चर्स दिखाता था, या तो अपने बच्चों की जो खुद यूज़ कर रहे थे वाइटहेड जूनियर, कोडिंग, मैथ्स, म्यूजिक, और मैं देख पा रहा था कि उनका कैसे बेनिफिट हो रहा है, और मैं उन्हें बताता था। फॉर एग्जांपल अपनी एल्डर डॉटर की स्टोरी कि जब उन्होंने वाइटहेड जूनियर से मैथ्स करा तो उनके टीचर को स्कूल में उनके टीचर्स ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करा कि उनका मैथ्स का प्रोग्रेस इतना अच्छा कैसे हो गया सडनली, एंड मैं वो स्टोरी बताता था ताकि लोग रिलेट कर सकें कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे प्रोडक्ट का। या फॉर एग्जांपल एक फार्म में एक लड़का था जिन्होंने एक ऐप बनाया था जिससे वो फार्म में पंप्स ऑन कर सकते थे रात को। तो अगेन उस स्टोरी से जो हम काम कर रहे थे उससे एकदम समझ आ रहा था कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वर्सेस अगर मैं सिर्फ ड्राई फैक्ट्स बताता।
इसी तरीके से मैंने इंटरव्यूज़ में भी देखा कि मेरे सबसे ज़्यादा मेमोरेबल इंटरव्यूज़ व्हाइट हाउस जूनियर के टाइम पे वो लोग में थे जिन्होंने कुछ ऐसा स्टोरी बताया जिससे जो वो फैक्ट बताना चाहते थे वो बहुत डीपली मेरे माइंड में स्ट्राइक हो गया। सो फॉर एग्जांपल जो हमारे पहले वीपी थे इंजीनियरिंग के, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बताया था कि उनका टेक में बहुत ज़्यादा पैशन है। वो काफ़ी लोग मुझे बोलते थे, पर उन्होंने मुझे बताया कि वो 8th क्लास में जब वो थे तो उन्होंने पहला अपना हैकिंग कंपटीशन में एंटर करा। उसके बाद हर क्वार्टर में वो पूरी दुनिया में ढूंढते रहते थे कि कहाँ पे हैकिंग कंपटीशन में वो एंटर कर सकते हैं, और उन्होंने 100-200 हैकिंग कंपटीशंस एंटर करा बिटवीन ग्रेड 8 एंड ग्रेड 12। अगेन ये एक स्टोरी थी जिसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट था मेरे ऊपर कि मुझे पता था कि वो मेरे पहले हायर होंगे और वो मेरे फर्स्ट वीपी ऑफ इंजीनियरिंग बने। उसी तरह एक्चुअली मेरे जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे कंपनी में, उन्होंने भी मुझे बताया था अपने इंटरव्यू में कि कैसे वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो 8, 6 और एज 8 के थे वो कोडिंग सीखेंगे, एंड क्यों उनको डिलाइटफुल लगता है ये आइडिया कि बच्चों को इतना एम्पावरिंग लगेगा कि वो कुछ भी बना सकते हैं। अगेन इतनी पावरफुल स्टोरी थी वो उनके अपने बच्चों के बारे में कि वो मुझे मेमोरेबल लगा इंटरव्यू के अंदर। तो हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में, अपने प्रेजेंटेशंस में, अपने फैक्ट्स को एक डीपली पर्सनल इमोशनल स्टोरी में कन्वर्ट कीजिए ताकि अपने लिसनर के अंदर वही सिंपथी और वही डीप इन्वॉल्वमेंट जागे जो एक टिपिकल स्टोरी के अंदर उनका जागता है। और तीसरा और फाइनल पॉइंट, बी इंटरेस्टेड टू बिकम इंटरेस्टिंग। ये आप नोटिस करेंगे कि आपको उन लोग से बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है जो अपने फील्ड के बारे में इतना ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि वो फील्ड उनकी पूरी लाइफ बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल जब मैं इंटरव्यू कर रहा था अपने करिकुलम हेड को, वो इतने ज़्यादा पैशनेट थे अपने करिकुलम के बारे में कि उन्होंने हमारा पूरा करिकुलम रिसर्च करा हुआ था, उन्होंने इंटरनेशनली सारे कोडिंग करिकुलम्स को रिसर्च करा हुआ था। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस भेजे करिकुलम और बिजनेस मॉडल के बारे में। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था उनका इस एरिया में कि इमिजिएटली उन्होंने स्टैंड आउट करा सारे इंटरव्यू कैंडिडेट्स के बीच में से। तो अगर आपका जो भी फील्ड है उसके अंदर आप इतने ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड हो जाएं, तो आप ऑटोमेटिकली लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएंगे। सो फॉर एग्जांपल स्टार्टअप के टाइम पर मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था स्टार्टअप की पूरे साइंस में कि जब भी मैं टाउन हॉल्स करता था अपनी टीम के लिए तो उन्हें बताता था कि इतना जॉब क्रिएशन हो रहा है हमारे वजह से, और ये पैंडेमिक में हाल है जॉब क्रिएशन का, इसलिए GDP डिक्लाइन हो रहा है, इकोनॉमी कैसे डाउन जा रहा है, जॉब्स, एकदम एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट मिल पाता था हमारी टीम के सारे एम्प्लॉयज़ को जिससे इंस्पायर्ड रहते थे वो लोग कि कितना इम्पैक्ट था कंपनी का। तो अगेन आपका जो भी फील्ड है उसके अंदर इतना डीपली आप स्टडी कीजिए उस फील्ड के बारे में, और इतने इंटरेस्ट हो जाइए, इतना सिंगल माइंडेडली इंटरेस्टेड हो जाइए कि आप ऑटोमेटिकली लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे अपने फील्ड में जब भी आप बात करेंगे उसके बारे में। फाइनली कुछ सिंपल हाइजीन पॉइंट्स जो मैं काफ़ी बार मिस देखता हूँ जब मैं प्रेजेंटेशंस देखता हूँ। फर्स्ट, आपकी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा विजुअल होनी चाहिए और बहुत कम होनी चाहिए। जितनी कम स्लाइड्स हैं उसका मतलब आपके आइडियाज़ उतने क्लियर हैं। सेकेंड, आपके प्रेजेंटेशन में कभी भी 12 फॉन्ट से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 9, 10, 8, 6 में कुछ लिख रहे हैं ना, वो किसी को इम्पैक्ट रहेगा उसका, प्लस ये और सोच करता है कि आपके स्लाइड में आइडियाज़ क्लियर नहीं है। एंड थर्ड, आपका जो टाइटल है वो बहुत बिग एंड ऑब्वियस होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाइट हाउस जूनियर के फंड रेजिंग डेस्क में ये पहला स्लाइड था जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि ग्रोथ कितना अनप्रेसिडेंटेड है, कितना लेवल पे ग्रोथ आया है। उसे इमिजिएटली जो भी इन्वेस्टर्स थे वो इमिजिएटली अलर्ट हो जाते थे, वर्सेस अगर मैं लिखता व्हाइट हाउस जूनियर ग्रोथ स्टोरी और समथिंग लाइक दैट जो मैं टिपिकली देखता हूँ स्लाइड्स के अंदर। पर इन हाइजीन पॉइंट्स से ऊपर कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, एक मेन आइडिया जो आपने एक बहुत मेमोरेबल कलेक्शन ऑफ फ्रेजेज या नंबर से कम्युनिकेट करा है। सेकेंड, एक डीप स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपने इमोशन इवोक करा। एंड थर्ड, आप इतने इंटरेस्टेड हैं अपने फील्ड में कि आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बन जाए। अगर आपने ये 3 पॉइंट्स फॉलो करे तो आपके प्रेजेंटेशंस, आपके इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहेंगे। क्या आपके लिए यूजफुल था मुझे कॉमेंट्स में बताइए, और ये भी बताइए कि आपके प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू टिप्स क्या हैं ताकि सबका फायदा हो सके। और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल था तो ये वीडियो ऑन हाउ टू रेज स्टार्टअप फंडिंग विद द परफेक्ट पिच टेक, ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा प्रेजेंटेशंस के लिए। मैं हूं करण बजाज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।